हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं, गवर्नमेंट के द्वारा जो 3 फ्री सिलेंडर के पैसे भेजे जाने थे उसके पहले सिलेंडर के पैसे आ चुके हैं। तो जिन जिन लोगों के पहले सिलेंडर का पैसा भी नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आप लोग ये वीडियो कहां से देख रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। तो दोस्तों दूसरे फ्री सिलेंडर के पैसे अब आने वाले हैं आज, तो किन किन लोगों के अकाउंट में ये पैसे आएंगे तो मैं इस वीडियो में यही बात करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देख ले और वीडियो को शेयर जरूर कर दे जिससे सभी को इसके बारे में पता चल जाए कि दूसरे सिलेंडर के पैसे भी उनके आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिसके तहत गवर्नमेंट ने घोषणा करी थी कि जितने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत खाते हैं उन सभी को 3 फ्री सिलेंडर दिए जाएंगे। तो दोस्तों पहले फ्री सिलेंडर के पैसे सभी के अकाउंट में आ चुके हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक जिन्होंने उन पैसों से सिलेंडर नहीं लिया है उनके खाते में दूसरे फ्री सिलेंडर के पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि पहले ही बोल दिया गया था कि आपके अकाउंट में पहले पैसे आएंगे उसके बाद आपको सिलेंडर खरीदना है और उसके बाद ही आपके अगले 2 सिलेंडर के पैसे आएंगे। क्योंकि दोस्तों बोला गया था दूसरे फ्री सिलेंडर के पैसे 2 मई को आएंगे, तो आपके अकाउंट में आज ये पैसे आ जाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक सिलेंडर नहीं खरीदा है पहले पैसों से तो वो सिलेंडर खरीद लें, नहीं तो उनके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। अगर ये पैसे आने के बाद भी दूसरे सिलेंडर के पैसे आने के बाद अगर सिलेंडर आप नहीं लेते तो आपके तीसरे फ्री सिलेंडर के जो पैसे आने हैं वो भी नहीं आएंगे। इसलिए दोस्तों पैसे आने के बाद सिलेंडर जरूर खरीद लें। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर बैंक में पैसे आ गए तो आपको वही पैसे निकालकर सिलेंडर खरीदने हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उससे भी सिलेंडर खरीद सकते हैं पैसे आने के बाद, उन पैसों को आप बाद में निकाल सकते हैं बैंक से, लेकिन आपको पैसे आने के बाद सिलेंडर जरूर खरीदना है जिससे कि अगले सिलेंडर के आपके पैसे आ जाए। अगर दोस्तों इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।